डिप्टी कमिश्नर राजशेखर ने कानपुर विकास प्राधिकरण का औचक निरीक्षण किया। इस समारोह में लगभग 40 से 50 प्रतिशत कर्मचारी और पर्यवेक्षी अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिनका वेतन रोकने और अनुपस्थित रहने का कारण बताने का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर वीसी केडीए, सचिव केडीए, चीफ इंजीनियर केडीए और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बुलंदशहर के खुज्जानगर में एनजीटी के आदेशों को किनारा कर खुले में कूड़ा कचरा जलाया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एनजीटी के आदेशों का मजाक बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में आज भी 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कुछ शरारती लोगों ने एक फर्नीचर के शॉप में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में एक युवक का शव अब जला और नग्न अवस्था में बरामद हुआ। मृतक का चेहरा बुरी तरह से जला होने की वजह से युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इस मामले से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता पूर्व प्रधान का शव बरामद हुआ है। इस मामले में चुनावी रंजिश के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि परिजनों ने पहले ही किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सहारनपुर के थाना जनकपुरी में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग दंपत्ति को गन पॉइंट पर घर के अंदर बंधक बनाकर 5 बदमाशों ने लाखों रुपए और गहने लूट लिए। डकैती के बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में आत्महत्या के इरादे से अर्धविक्षिप्त युवक हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सकुशल नीचे उतारा। बागपत के सोनीपत बस स्टैंड पर 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना के समय जमा भीड़ ने दोनों युवकों को छुड़ाने की कोशिश की। फरुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र में किसानों के समर्थन में सपा जिला अध्यक्ष ने बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा निकाली। उनका कहना है कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉट में प्लास्टिक के कबाड़ में आग लग गई। इस घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हल्द्वानी के डीजीपी बनने के बाद अशोक कुमार ने सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रदेश की पुलिस को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जाएगा।